आपके अपने यूट्यूब चैनल OCC बाई व्यूपर सर्वे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 9 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि लॉन्ग में हमेशा आपसे पूछा जाता है और बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा होने के बावजूद भी आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। शॉर्ट में भी कभी कभी पूछा गया है एक दो बार, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने प्रीवियस ईयर पेपर में, हो सकता है शॉर्ट में भी पूछ दें, क्योंकि थोड़ा सा ये छोटा डेरिवेशन होता है, तो इसलिए कभी कभी शॉर्ट में भी डाल दिया जाता है, कभी कभी लॉन्ग में भी डाल दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आपका अब डेरिवेशन है तो उसको कितना खींच के लेके जाएंगे, अब कितना लंबा करेंगे रहेगा तो वही आंसर, तो इस हिसाब से आपको आंसर देना होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर पूरा मिलेगा। डिराइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, इसी को आपको डिराइव करना होता है, इसी का आपको डेरिवेशन करना होता है इस इक्वेशन का, और बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा डेरिवेशन है, और आप देखेंगे 2013 और 2015 में आपसे पूछा भी गया, आप लोग जाकर के चेक करिएगा, आपको पता चलेगा सेम ऐसे ही लिख करके आपसे पूछता है कि डिराइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा एन आर टी, ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन छोटा सा है। इसमें मैं आपको बता दूं कि डेल्टा एच मीन्स आपका क्या होता है, डेल्टा एच या फिर एच, एच से हमको हम लोग किसको डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को, और एंथैल्पी से मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैं एंथैल्पी के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं, एंथैल्पी को मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है, तो अगर आप लोग एंथैल्पी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जा करके उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आपको आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है, फिजिकल केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसमें आप लोग जाएंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी है, आपके आई बटन में हमेशा रहता है, ऊपर जो आपका आई बटन जो आपको दिखाई देती है उसमें भी हमेशा रहता है, और साथ में लास्ट में एकदम वीडियो को लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में एंड स्क्रीन आता है, उसमें भी आपको प्लेलिस्ट जो फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको दी जाती है, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे तो सभी का सभी वीडियो एक साथ आपके आ जाएगा और आप लोग उसमें देखेंगे तो एंथैल्पी का वीडियो आपको मिल जाएगा, और उस एंथैल्पी की वीडियो में हम आपको बहुत ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, और उन्हीं इन्फॉर्मेशंस का यूज आज इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग को वीडियो पहले से देखे हुए हों, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी इसीलिए मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ आप लोग जाकर के एंथैल्पी वाला वीडियो पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पर आप लोग आकर के देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो डेल्टा एच का मतलब यहाँ पे जनरली हो जाएगा आपका, डेल्टा एच का मतलब हो जाएगा एंथैल्पी, और डेल्टा यू, यू का मतलब हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, जो कि मैं उसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से भी हम लोग डिनोट करते हैं, और कभी कभी हम लोग ई से भी, कैपिटल ई से भी हम लोग डिनोट करते हैं, तो ई लिखा रहे चाहे यू लिखा रहे दोनों का ही मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, क्लियर है। बाकी आप डेल्टा एन आर टी को तो पहले से जानते ही हैं कि यहाँ पर टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, आर आपका यहाँ पर कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट होता है, बाकी एन आपका एक तरह का नंबर होता है, भी एक तरह का ये हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, एन आपका एक तरह का नंबर होता है, ये आपका चेंज होता रहता है। अगर आप लोग आइडियल गैस पढ़े होंगे, आइडियल गैस बॉयल चार्ल्स लॉ पढ़े होंगे, तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है, तो उसी के बेसिस पर आज हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो वाला देख लिए होंगे। तो इसको आप लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको दो इक्वेशन पहले याद होनी चाहिए, कौन से दो इक्वेशन आपको पहले याद होने चाहिए, पहला तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, देखिए लिखा है यहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट लॉ, यानी कि थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, आप लोग थोड़ा सा लॉन्ग इसको कर लीजिएगा कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो QP इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, फिर से मैं आपको बोल दे रहा हूँ QP इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस में पी डेल्टा वी, यहाँ पर QP लिखा है, क्यू का मतलब होता है समझिए हीट, क्यू का मतलब यहाँ पे हीट है, और पी का मतलब यहाँ पे QP लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रेशर है, पी का मतलब प्रेशर, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, QP लिखा है इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे QV लिखा रहता है इसका मतलब आपका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम जो आपका है वो आपका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम,
और अगर वहाँ पर टी लिखा रहता, टी, तो टी लिखने के बाद इसका मतलब हो जाता कि टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या लिखा है, क्यू पी लिखा है, इसका मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं होगा। आपको इक्वेशन में दिखाई भी देगा, जैसे देखिए डेल्टा ई, तो ई आपका चेंज हो रहा है। देखिए डेल्टा जब भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको डेल्टा लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा का मतलब होता है कि परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है हमेशा। तो जब चेंजिंग होती है तो वहाँ पर बोलते हैं डेल्टा ई, जो बदलता रहता है, जिसकी वैल्यू बदलती है, उसको हम लोग वहाँ पर डेल्टा लगा कर डिनोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप लोग देखें तो पी डेल्टा वी लिखा हुआ है, यहाँ पर डेल्टा नहीं लगा है, यानी कि डेल्टा पी डेल्टा वी नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है P डेल्टा V लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि V तो चेंज होगा, वॉल्यूम तो चेंज होगा, डेल्टा के साथ लिखा है, लेकिन P आपका कांस्टेंट है, P चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर QP लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये बात समझ गए होंगे। तो QP इक्वल टू डेल्टा E प्लस में P डेल्टा V, ये आपको रिलेशन याद हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि यहाँ पर डेल्टा यू लिखिए चाहे डेल्टा ए लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ई और यू दोनों सेम होता है, दोनों को ही हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनल एनर्जी यहाँ पर चेंज हो रही है। तो एक ए इक्वेशन आपको बिल्कुल मुँह जबानी याद होना चाहिए। दूसरा, ऑल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी की डेफिनेशन फिर से वही आ गया ना घूम फिर के, हम आपको बोले थे एंथैल्पी आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, एंथैल्पी का वीडियो। तो एंथैल्पी में हम आपको बताए हुए थे एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज क्या होता है, फिर से देखिए चेंज ये वर्ड का यूज किया है ना, तो चेंज का वर्ड का यूज किया है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसका मतलब आपको डेल्टा लगा देना है। तो एंथैल्पी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, तो उसी के आगे हम लोग डेल्टा लगा देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंथैल्पी चेंज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज, यानी कि एंथैल्पी चेंज हो रही है। अच्छा, इसका हमको इन दोनों इक्वेशन की हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा इक्वेशन लेना है। यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू दिया हुआ है कि इतना हमको प्रूफ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी है। तो एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि एंथैल्पी की डेफिनेशन से जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी होता है, ये आपको मिल जाएगा एंथैल्पी की डिफिनेशन से। और ये वाला रिलेशन क्यों आया, क्योंकि फिर से वही बात मैं आपको पहले ही बोला हूँ कि आपको फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जाकर के एंथैल्पी का वीडियो देख लीजिए। एंथैल्पी के ही वीडियो में आपको बताया हुआ हूँ कि ये जो डेल्टा एच होता है, जो एंथैल्पी होती है, ये क्यू पी के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, इस क्यू पी के इक्वल होती है डेल्टा एच की वैल्यू, यानी कि जो आपका जो फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ से जो आपका इक्वेशन आया हुआ है, इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वल होता है एंथैल्पी के। ठीक है, तो ये जो एंथैल्पी है, यानी कि डेल्टा एच है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो गया, क्यू पी हो गया। तो इसलिए इस वाले इक्वेशन की भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये दोनों पार्ट अगर आप लोग देखेंगे तो ये दोनों पार्ट आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग यहाँ से ले लिए हैं। अब हमको क्या ज़रूरत है, देखिए डेल्टा एस तो हमको मिल गया और यहाँ पर डेल्टा यू भी मिल गया। क्यों, क्योंकि अभी हम बोले हैं कि डेल्टा ई की जगह पे आप लोग डेल्टा यू लिख सकते हैं, तो डेल्टा यू भी आपको मिल गया। अब एक चीज़ और आपको चाहिए, क्या चाहिए, एन आर टी चाहिए। क्या चाहिए आपको, एन आर टी चाहिए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमको किस क्या लेना चाहिए। तो आपको याद होगा आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा। तो आइडियल गैस के इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है। क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमको एन आर टी भी मिल जाएगा। तो किस इक्वेशन का किस डेरिवेशन में यूज करना है, ये डिसाइड आप लोग कैसे करेंगे, इसी इक्वेशन को देखते हुए कि आपको किस किस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी आप लोग जानते हैं डेरिवेशन कैसे किया जाता है, तोड़ मड़ोड़ करके एकदम जैसे चाहे उसको उठा के पटक के इधर करके उधर करके, जैसे चाहे जो आप उसमें दाव लगाना चाहें लगा करके उसके एकदम उसको बस प्रूव करना होता है, किसी भी तरीके से जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी आप लोग उसमें कर सकते हैं।
कि आप लोग फ्री होते हैं। तो तीनों चीज़ जब हमारे पास आ गई है, डेल्टा एच आ गया है, डेल्टा यू आ गया है, एनआरटी आ गया, तो बस अब करना क्या है? बात किस किस बात की देरी है? क्या मुहूर्त निकलवाने जाएं पंडित बाबा से? कुछ नहीं करना है, सीधे प्रूफ करते हैं। तो ये बात आपको समझा गई होगी कि इसको आपको लिखना है, इसको आपको लिखना है। आप लोग चाहें तो इक्वेशन फटाफट बनाते जाइए। इक्वेशन नंबर इसको आप फर्स्ट कर लीजिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट, ये आपका टू हो गया। और जैसा कि भी हम आपको बताया कि ये आप देख पा रहे हैं कि ये डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, इसका मतलब ये दो, ये राइट वाला पोर्शन अगर आपस में इक्वल है तो लेफ्ट वाला पोर्शन भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ, जो लोग मैथ से हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि आज की जो शाम है वो बिल्कुल मैथमेटिकल होने वाली है, और जो लोग बायोलॉजी से हैं, जूलॉजी से हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होने वाली है आज की शाम, ठीक है? क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैथ वाले तो बिल्कुल एकदम मज़ा लेंगे, भरपूर मज़ा लेंगे, लेकिन जूलॉजी वाले थोड़ा सा घबरा सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी एकदम जैसे चाय पीते ना एकदम सुर्र सुर्र करके, वैसे ही धीरे धीरे मज़ा लेते रहिए सुर्र सुर्र करके, ठीक है? देखिए तो यहाँ पर ये जो क्यू पी होगा, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी, याद करिए 10 वाला इक्वेशन, 10 में कैसे आपको पढ़ाया जाता था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे प्रूव करना होता था कक्षा 10 और 12 में। तो सेम वैसे यहाँ पर भी समझिए कि राइट हैंड साइड अगर आपका इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी होगा। क्या होगा? डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी, या फिर क्यू पी इक्वल टू डेल्टा एच होगा। तो ये देखिए क्यू पी इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू में ये आपका राइट हैंड साइड को लिख देंगे डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी है, दोनों के इक्वल टू क्या है, ये चीज़ है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको ऐसे ही अभी छोड़ देंगे, इसका यहाँ पे कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अगर आप लोग चाहें ना तो ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको अगर आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको जो ज़्यादा ज़रूरत है ना वो इक्वेशन नंबर 2 की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको डेल्टा एच भी मिल जा रहा है और डेल्टा यू भी मिल जा रहा है। देखिए डेल्टा यू भी आपको मिल जा रहा है, और बस ये चीज़ हमको यहाँ पर चाहिए, तो ये चीज़ हम इसी की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसको अगर आप लोग नहीं भी लिखेंगे, मान लीजिए लग बाई चांस नहीं याद आ रहा है आपको, आप लोग अगर नहीं लिखेंगे तब भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो मेन हमारा इक्वेशन इस पूरे इम्प्रूवमेंट में है वो एक ये इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन आप लोग जानते हैं पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। क्या होता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। इस यहाँ से हम लोग तुरंत फाइंड कर लेंगे, तुरंत हम लोग पा जाएंगे, किसको पा जाएंगे, यहाँ से हम लोग तुरंत पा जाएंगे इसको एनआरटी को पा जाएंगे। यहाँ पर जो एनआरटी आपको दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन से हम लोग एनआरटी को निकाल लेंगे, बाकी ये दोनों चीज़ हमारे पास आ ही चुकी है इस वाले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है? तो ये वाला अगर आप लोग नहीं भी लिखते तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू में दिस, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी इक्वल टू एनआरटी। अब अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि कोई दो सिस्टम है, और दो सिस्टम के लिए अगर हम लोग पी इक्वल टू एनआरटी निकालें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, आप लोग अभी ऊपर देखें कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखना है इसका मतलब P तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, V चेंज हो रहा है, तो इसको पहले वाले सिस्टम के लिए V1 कर देंगे इक्वल टू में N आपका चेंज होता है, जैसा कि मैं आपको बताया कि N की वैल्यू चेंज होती है, इसका मतलब इसको N1 कर देंगे, और RT आपका कांस्टेंट होता है तो ये तो चेंज होगा ही नहीं, तो P कांस्टेंट हो गया, RT कांस्टेंट हो गया, तो PV1 इक्वल टू N1 RT हो जाएगा पहले सिस्टम के लिए। मान लीजिए कोई एक पहला कोई सिस्टम है, अब आते दूसरे सिस्टम के लिए, अब कोई अगर दूसरा सिस्टम है तो दूसरे सिस्टम के लिए यही पी वी टू हो जाएगा इक्वल टू में N2 RT हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सिस्टम के लिए V1 और 1111 लगा देंगे, और दूसरे के लिए 22 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 5 बना लीजिए, 5 बना लीजिए, इक्वेशन आप बनाते जाइए। मैं आपको बताया था पहले कैसे आपको इक्वेशन बनाना है। इसके बाद आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन नंबर 5 आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि जो 2 वाला पी वी टू इक्वल टू N2 RT, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए इक्वेशन नंबर 4 को, जो भी आप लिखे हैं पी वी वन इक्वल टू N1 RT, यानी कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 लिखे हुए हैं, तो पी वी वन इक्वल टू में N1 RT को घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर तो आप देखेंगे P तो कांस्टेंट मिल जाएगा, P आपका कांस्टेंट मिल जाएगा, P आपका बाहर हो जाएगा, V2 में से V1 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, V2 में से V1 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो PV2 - V1, क्लियर है? इक्वल टू में यहाँ पर आप देखेंगे RT इसमें भी मिल जाएगा। देखिए मैं वो इक्वेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। PV1 इक्वल टू में आपका यहाँ पर N1 और
आर टी था, यही था। तो अगर आपको इस इक्वेशन में से घटाना है इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, दोनों में आप देख पा रहे हैं पी कॉमन है, तो पी को हम बाहर कर लिए, वी टू माइनस वी वन हो जाएगा। ये देखिए वी टू माइनस वी वन को हम लोग ब्रेकेट में कर लिए, इक्वल टू में यहाँ पर आर टी है, यहाँ पर आर टी है, तो आर टी आपका बाहर कॉमन हो जाएगा, और एन टू माइनस क्या हो जाएगा, एन टू माइनस एन वन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे हम लोग, हम आपको पहले ही बताए थे, शुरू में ही बताए थे कि डेल्टा कब लगाते हैं, डेल्टा कब लगाते हैं, डेल्टा तब लगाते हैं जब डिफरेंस हो, जब वहाँ पर चेंज हो रहा हो, जब वहाँ पर गड़बड़ी हो रही हो, वहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही हो। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर v2 माइनस v1 यानी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो v है v कांस्टेंट नहीं है, कभी v2 है तो कभी v1 है, यानी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस को दिखाने के लिए, चेंज को दिखाने के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर इस v2 माइनस v1 को हम लोग डेल्टा v लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब ही है कि v2 माइनस v1, ठीक है। डेल्टा e लिखा हुआ मतलब e2 माइनस e1, है ना। डेल्टा a लिखा हुआ मतलब a2 माइनस a1, तो a डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा का को आपको कभी भी दिख जाए फिजिकल केमिस्ट्री में तो उसका मतलब यही होता है। आज के बाद रट लीजिए, याद कर लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में इसका मतलब ऐसा ही होता है डेल्टा का मतलब, ठीक है। तो डेल्टा मीन्स वी टू माइनस वी वन, और यहाँ पर आपका वी हो जाएगा क्योंकि वी आपका चेंज हो रहा है, तो चेंज को कौन दिखाता है, डेल्टा। तो पी डेल्टा वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर एन भी तो चेंज हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे देखेंगे तो n भी तो चेंज हो रहा है, n2 माइनस n1 हो रहा है। इसका मतलब n2 माइनस n1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा n लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा n लिख सकते हैं। और बाहर में आपका rt तो बिल्कुल ऐसे ही बचा हुआ था, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या मिल गया, पी डेल डेल्टा वी, पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा n rt मिल गया, पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एन आर टी मिल गया। अब आप लोग याद करिए इक्वेशन नंबर टू को, इक्वेशन नंबर टू में यही तो था पी डेल्टा वी, यही तो था पी डेल्टा वी। अब इसी पी डेल्टा वी की वैल्यू को, इसकी वैल्यू क्या आई है, डेल्टा एन आर टी आई है, इसी को उठा करके पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर टू में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू पे आपको हम लेकर के चलते हैं। वैल्यू याद कर लीजिए, वैल्यू क्या है, पी डेल्टा वी इक्वल टू क्या है, डेल्टा एन आर टी है, क्या है, पी डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ये वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए। लेके चलते हैं इक्वेशन नंबर टू पर, ये देखिए आपका इक्वेशन नंबर टू क्या है, ये है डेल्टा एच इक्वल टू में डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, यही तो है, ये देखिए पी डेल्टा वी है। और हमको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ हमको ये करना था, डेल्टा एच हमारे पास है, बिल्कुल है, डेल्टा यू भी, देखिए डेल्टा यू भी हमारे पास है, क्यों, क्योंकि हम लोग डेल्टा यू को ही डेल्टा ई भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा ई लिखिए चाहे डेल्टा यू लिखिए, बात वही है, यानी कि ए भी है और ये भी है। बस हमको क्या करना था, इस पी डेल्टा वी की जगह पर हमको ये रखना था। और अभी अभी तो आप प्रूफ करके आए हैं कि पी डेल वी इक्वल टू क्या हो गया, डेल एन आर टी हो गया, सॉरी डेल नहीं, यहाँ पे डेल्टा आप लोग पढ़ लीजिए, डेल्टा एन आर टी हो गया, अभी तो हम लोग प्रूफ करके आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही जो अभी वैल्यू आई है पी डेल्टा वी, सॉरी पी डेल्टा वी की वैल्यू को उठा करके डेल्टा एन आर टी जो यहाँ पर जब रख देंगे, पुट कर देंगे, तो पुट करने के बाद यही तो मिल गया हमारा वाला इक्वेशन जो हमको डिराइव करना था, जो हमको खींच करके लेके आना था, निकाल करके लाना था, खोज करके लाना था। तो हमने डेरिवेशन कर लिया है इस इक्वेशन का फाइनल, ये देखिए जब पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद डेल्टा एच इक्वल टू में डेल्टा ई प्लस डेल एन आर टी हो जाएगा, जैसा कि अभी हम आपको दिखाए हैं। और हम आपको शुरू से ही चिल्लाते आ रहे हैं कि जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, डेल्टा यू भी होता है, यानी कि डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा यू हम आपको एंथैल्पी वाले वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप लोग डेल्टा यू लिख दीजिए तो पूरा का पूरा आपका प्रूफ होकर के आपके सामने आ जाएगा, जो आपको प्रूफ करना था, जो आपको जिसका आपको डेरिवेशन करना था। तो उम्मीद करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन था, लॉन्ग में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे ठीक तरीके से। और एक बार अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ दो इक्वेशन का मेजरली यूज है, एक तो एंथैल्पी वाले इक्वेशन का डेल्टा एच इक्वल टू जो है, और एक दूसरा आपका पी वी इक्वल टू एन आर टी जो गैस इक्वेशन होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसका। तो दो का मेजर यहाँ पे यूज है, दो इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप लोग बड़े ही आसानी के साथ यहाँ पे डेरिवेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार अगर आप लोग अपने से प्रैक्टिस करेंगे, अपने से लिख करके ट्राई करेंगे, आराम से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरा डेरिवेशन आपको ठीक से समझ में आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए।
और अपना फीडबैक लिख करके पूरा डिटेल में हमको भेजिए कि मेरे जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को किस तरीके के लगते हैं, कैसे लगते हैं, क्या उसमें कोई सुधार की ज़रूरत है या बिल्कुल अच्छा चल रहा है, कैसा है, मतलब जो भी आपके मन में आता है पढ़ने के बाद बिल्कुल हमको उससे अवगत करवाइए, बताइए हमको, हमको बहुत अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।